बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर और निर्माण, इंजीनियरिंग व औद्योगिक क्षेत्र के अलावा वाहन क्षेत्रों से सुदृढ़ मांग के कारण साल 2022 में भारत में स्टील की खपत में तेजी आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्मों और रेटिंग एजेंसियों का ऐसा मानना है। भारत में स्टील की खपत कैलेंडर वर्ष 2022 में बढ़कर 11.1 करोड़ टन पर पहुंचने की उम्मीद है, जो 2020 में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और तब स्टील की खपत घटकर 8.93 करोड़ टन रह गई थी। के रेटिंग्स ने हालिया रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदन स्टील एंड पावर, सरकारी कंपनी सेल और AMNS देश की कुछ अग्रणी एकीकृत स्टील उत्पादक कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने हाल ही में बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ डॉलर खर्च का ऐलान किया है, जो देश के स्टील उपभोग में खासा इजाफा करेगा। लिहाजा अमेरिकी बाजार में स्टील की कीमतें मजबूत बनी रहेंगी, यह कहना है ब्रोकरेज फर्मों का। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उपभोक्ता व उत्पादक चीन में कार्बन उत्सर्जन पर लगाम के लिए उत्पादन पर लगातार पाबंदी से चीन का निर्यात घटा है, जिससे वैश्विक निर्यात कीमतें उच्च स्तर पर बनी रही हैं। उद्योग के अधिकारियों ने कहा है कि स्टील के उत्पादन व उपभोग का समीकरण के अलावा आपूर्ति श्रृंखला के प्रदर्शन और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था साल 2022 में महामारी के बीच स्टील के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक स्टील उत्पादक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दुनिया भर की कंपनियां व देशों ने अपनी लॉजिस्टिक्स की मजबूती के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्या यह पर्याप्त है। जब हम साल 2022 में आगे बढ़ेंगे तभी इस पर और स्पष्टता सामने आएगी। वहीं S&P ने कहा है कि भारत में हॉट रोल कॉयल की कीमतें कैलेंडर वर्ष 2022 में औसतन 53,555 से 56,700 रुपये प्रति टन रहने की उम्मीद है। साल 2021 में औसत कीमतें 63,000 रुपये प्रति टन रही थी, जो कैलेंडर वर्ष 2020 के मुकाबले 58% ज़्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।